नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। श्रद्धालु मंदिर में बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। धार के वेंकट बिहारी मंदिर को सुंदर तरीके से सजाया गया था। मनोहर रूप में कृष्ण मूर्ति के दर्शन हुए। आकर्षक साज सज्जा की गई। वही राजबाड़ा के गोपाल मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। भारी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। रासमंडल स्थित ठाकुर जी के मंदिर में भी आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सबसे पहले तो सभी भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज जन्माष्टमी महापर्व है, जिसमें आज सुबह ठाकुर जी को मंगला दर्शन में जगाया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी का आज पंचामृत स्नान हुआ। अभी जो आपने सांध्य आरती के दर्शन करे और अभी जो चल रहे जागरण के दर्शन है, जो रात्रि 11:30 बजे तक रहेंगे, उसके बाद फिर पुनः जन्म के दर्शन होंगे, जिसमें भगवान का पंचामृत स्नान होगा, फिर आरती होगी। और दूसरे दिन कल जो है रात्रि को 8 बजे नंद महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्री लाल जी को जो है पल्ले में झुलाया जाएगा, विविध खिलौने से खिलाया जाएगा, मेवा वगैरह उड़ाया जाएगा। यह है मंदिर की रीति। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है मुकेश व्यास। रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा, नंदोत्सव होगा, सभी को प्रसाद बटेगा और सभी भजन संध्या का कार्यक्रम है। 8-9 बजे से महिला मंडल का यहाँ भजन होगा, उसके बाद नंद उत्सव मनेगा। रात को 9 बजे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपका नाम बता दो। मेरा नाम प्रणय मुकाती।